हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एशियन गेम 2018 के बारे में। तो एशियन गेम एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जामिनर्स की नज़रों में इस बार सबसे ऊपर रहने वाला है, और जितने भी करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसमें एक ना एक क्वेश्चन आपको एशियन गेम से देखने को ज़रूर से मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एशियन गेम एक ऐसा गेम है जो कि ओलंपिक गेम एंड कॉमनवेल्थ गेम के बाद तीसरे नंबर का सबसे बड़ा गेम है, और ये हर 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। एंड इसकी जो पहली बार शुरुआत हुई थी वो नई दिल्ली इंडिया में हुई थी 4 मार्च 1951 में। तो एशियन गेम का जो दूसरा नाम है वो एशियाड भी है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एशियाड में भारत ने कितने मेडल जीते, एशियन गेम्स में भारत ने कितने मेडल जीते, तो ये दोनों सेम चीज़ है। एंड उसके बाद जो इस बार की ओपनिंग हुई थी वो 18 अगस्त 2018 को हुई थी, एंड क्लोजिंग 2 सितंबर 2018 को हुई थी। तो ये डेट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एंड इस बार की जो कंट्री थी जिसने एशियन गेम होस्ट किया था वो थी इंडोनेशिया, एंड शहर जो था वो जकार्ता एंड पालेमबंग। तो 2 शहरों में इस बार एशियन गेम आयोजित किया गया था। तो हिस्ट्री में पहली बार है जब कभी एशियन गेम 2 सिटीज़ में आयोजित किया जा रहा है। एंड जो इस बार की थीम थी वो एनर्जी ऑफ एशिया थी। एंड भारत की जो रैंकिंग इस बार थी वो 8th प्लेस थी। फर्स्ट प्लेस पर आपका चाइना था। एंड 2022 का जो एशियन गेम्स होगा उसकी जो होस्टिंग कंट्री होगी वो चाइना होगी, एंड जो इसका शहर है वो हांगझाओ होगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड उसके बाद से जो एशियन गेम का प्रतीक चिन्ह है, जो कि हर बार एक प्रतीक चिन्ह होता है, एंड उसका जो ये प्रतीक चिन्ह है वो चमकता हुआ सूरज है, जो कि आप ये देखते हैं। तो ये चमकता हुआ सूरज है, यहाँ बीच में सूरज है और ये इसकी चमक है। एंड इस बार का जो एशियन गेम था वो 18वां एशियन गेम था, आप ये भी अच्छे से याद रखिएगा। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया था कि इस बार का कौन सा एशियन गेम था, 17वां 18वां 19वां 20वां, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एंड अब हम लोग इंडोनेशिया की भौगोलिक स्थिति जान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं मैप में, तो यहाँ पे ये देखिए आपका यहाँ पे इंडिया है। एंड इंडिया के जब हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो पूर्व की तरफ बढ़ते समय यहाँ पे आपको इंडोनेशिया मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम जूम इन करते हैं तो इंडोनेशिया ये है, और जितना भी आपको एरिया दिख रहा है ये सारा आपका इंडोनेशिया है। एंड जहाँ पे एशियन गेम आयोजित किए गए थे वो जकार्ता एंड पालेमबंग था। तो जकार्ता ये है एंड पालेमबंग यहाँ पे है। तो जकार्ता इंडोनेशिया की जो है वो राजधानी है, एंड पालेमबंग भी यहाँ का एक बहुत ही पुराना शहर है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जकार्ता एंड पालेमबंग दोनों ही बहुत ही सुंदर सिटीज़ हैं, एंड यहीं पे आपका इस बार एशियन गेम 2018 आयोजित किया गया था। एंड उसके बाद है इंपॉर्टेंट पर्सन्स। तो इंपॉर्टेंट पर्सन में सबसे पहले आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया आते हैं, जिनका नाम है जोको विडोडो। एंड इन्होंने ही एशियन गेम 2018 का शुभारंभ किया था, यानी कि उद्घाटन जो करता है आदमी वो जोको विडोडो प्रेसिडेंट ने ही किया था। एंड गवर्नर ऑफ जकार्ता जो है वो अनीस बासवेडन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। एंड ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो शेख फहद अल सबा, तो ये इनकी पिक्चर है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं मैस्कॉट्स यानी कि शुभंकर की। तो इस बार के जो एशियन गेम में शुभंकर थे वो 3 थे। सबसे पहला आपका भिन भिन, दूसरा कका, तीसरा आतोंग। तो भिन भिन ये इस तरह की बर्ड है, एंड कका जो है वो एक सींग का गैंडा है, एंड आतोंग जो है वो एक हिरन है। तो ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं आइए जानते हैं। तो सबसे पहले कका, तो कका ये एक सींग का राइनोसोरस यानी कि गैंडा है, एंड ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को। एंड उसके बाद भिन भिन जो रिप्रेजेंट करती है वो स्ट्रैटेजी को रिप्रेजेंट करती है, और ये एक सुनहरा पक्षी है। एंड उसके बाद है आतुंग, एक ये हिरन है जो कि रिप्रेजेंट करता है स्पीड को। तो ये तीनों चीज़ें क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया ने टोटल 69 मेडल जीते हैं, जिसमें से 15 जो है वो गोल्ड है, 24 सिल्वर है, एंड 30 जो है वो ब्रॉन्ज है। एंड टोटल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर थे जो कि इंडिया की तरफ से गए थे वो 570 थे, जो कि 36 खेलों से जुड़े हुए थे। तो टोटल जो मेडल थे वो 69 थे। तो ये नंबर आप अच्छे से याद रखिएगा। एंड इस बार के जो ध्वजवाहक यानी कि फ्लैग बैरियर थे, ओपनिंग के समय नीरज चोपड़ा थे जो कि एक जैवलिन थ्रोअर यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं। एंड क्लोजिंग के समय रानी रामपाल को चुना गया था जो कि एक हॉकी प्लेयर हैं। एंड अब हम बात करेंगे इंडिया ने जितने भी गोल्ड मेडल जीते हैं वो किस खेल के थ्रू जीते हैं और किस खिलाड़ी ने उस मेडल को जीता है। मैं क्रम से इन सबको बताता चला जा रहा हूं, तो आप अपने कॉपी में इस क्रम को लिखते चले जाइएगा ताकि रिवाइज करने में आपको दोबारा आसानी हो। तो सबसे पहला जो है फर्स्ट डे फर्स्ट गोल्ड जो आया था वो रेसलिंग में आया था, एंड खिलाड़ी का जो नाम है वो बजरंग पुनिया है, जिन्होंने 65 किलो वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया था। एंड जो दूसरा गोल्ड था वो भी रेसलिंग से ही आया था, लेकिन इस बार महिला रेसलिंग से आया था। तो महिला रेसलिंग में जो रेसलर हैं वो उनका नाम है विनेश फोगाट,
एंड ये एक पहली इंडियन वुमेन भी हैं जिन्होंने पहली बार एशियन गेम में रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो ये गीता एंड बबीता फोगाट की बहन है। एंड उसके बाद से जो तीसरा गोल्ड था वो शूटिंग में आया था, एंड खिलाड़ी का नाम था सौरभ चौधरी, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक हासिल किया था। ये भारत के लिए तो तीसरा मेडल था, बट शूटिंग में ये पहला गोल्ड मेडल था, ओके। एंड उसके बाद से जो चौथा गोल्ड मेडल आया था वो भी शूटिंग से ही आया था, एंड खिलाड़ी का जो नाम था वो राही सरनोबत। एंड ये एक फर्स्ट इंडियन वुमेन भी हैं जिन्होंने शूटिंग में एशियन गेम में पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। एंड उसके बाद से जो पाँचवा मेडल था वो क्वाड्रपल रोइंग गोल्ड, यानी कि नौकायन में जो मेन्स टीम थी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। एंड उसके बाद जो छठा जो गोल्ड मेडल आया था वो टेनिस डबल में आया था, तो टेनिस डबल में दिविजय शरण एंड रोहन बोपन्ना ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। एंड जो सातवां गोल्ड मेडल आया था वो शॉर्ट पुट में आया था, एंड जो खिलाड़ी का जो नाम है वो तेजिंदर पाल सिंह तूर। एंड जो आठवां गोल्ड मेडल आया था वो जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में आया था, एंड जो खिलाड़ी का नाम है वो नीरज चोपड़ा है। तो नीरज चोपड़ा ओपनिंग सेरेमनी में ये ध्वजवाहक भी हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। एंड उसके बाद से 400 मीटर की जो दौड़ हुई थी उसमें जो गोल्ड मेडल जीता था उनका नाम है मनजीत सिंह। एंड दसवां गोल्ड मेडल जो आया वो ट्रिपल जंप में आया था, एंड खिलाड़ी का जो नाम है वो अरपिंदर सिंह है। तो अरपिंदर सिंह ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसके चांसेस काफ़ी हैं एग्ज़ाम में पूछे जाने के। एंड ग्यारहवां गोल्ड मेडल ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आया है हेप्टाथलन गेम में। तो हेप्टाथलन एक सात स्पर्धाओं वाला एक गेम होता है, और जो इसके खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है उनका नाम है स्वप्ना बर्मन। उसके बाद से बारहवां गोल्ड मेडल 1500 मीटर रेस में जिंसन जॉनसन ने, एंड उसके बाद से 4x400 रिले में जो 13वां गोल्ड मेडल आया था वो वुमेन टीम ने जीता था। एंड उसके बाद 14 गोल्ड मेडल जो आया था वो ब्रिज में आया था। तो ब्रिज एक ताश का खेल है, एंड पहली बार इस गेम में इंडिया ने शिरकत की है, एंड जो इसके विजेता हैं वो प्रणब बर्धन एंड शिवनाथ सरकार। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि पहली बार इंडिया ने इस गेम में अपना कदम रखा है और रखते ही गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। एंड उसके बाद से जो लास्ट जो 15वां गोल्ड मेडल है वो है बॉक्सिंग में, जिनका नाम है अमित पिंघल। तो अमित पिंघल ने एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को हराया है जो कि उज्बेकिस्तान के हैं, जिनका नाम है हसन बॉय दुस्मातोव। तो इन्होंने एक ओलंपिक चैम्पियन को हरा के एक सनसनी मचा दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अमित पिंघल, एंड ये इंडिया के लिए 15वां गोल्ड मेडल लेके आए हैं। ये तो बात हुई सारे गोल्ड मेडलिस्ट की, ये तो आपको एकदम अच्छे से याद होना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि कबड्डी में किस देश को गोल्ड मेडल मिला है। ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7 बार की चैंपियन इंडिया इस बार कबड्डी में पिछड़ गई। मेन एंड वुमेन दोनों में ही जो गोल्ड मेडल मिला है वो ईरान को मिला है, एंड जो मेन में जो सिल्वर है वो साउथ कोरिया को मिला है, एंड जो ब्रॉन्ज है वो इंडिया को मिला है। तो इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है मेंस में, एंड वुमेन में जो इंडिया को सिल्वर मेडल मिला है। तो ब्रॉन्ज मेडल इसमें वुमेन में चाइनीज टाइपी एंड थाईलैंड को मिला है। एंड उसके बाद है कि फर्स्ट वुमेन टू विन सिल्वर इन बैडमिंटन इन एशियन गेम, तो इनका नाम है पीवी सिंधु। किस भारतीय निशानेबाज ने एशियाई खेलों को डबल ट्रैप प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है, तो इनका नाम है शार्दुल विहान। सो ये एक यंगेस्ट यानी कि 15 साल के इंडियन शूटर हैं जिन्होंने एशियन गेम में कोई भी मेडल जीता है। तो ये सिल्वर मेडल जीते हैं। एंड उसके बाद ये फाइनल मेडल टैली है जिसमें कि सभी देशों का पूरा ब्यौरा दिया है, लेकिन आपको कौन कौन सा याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो देखिए फर्स्ट नंबर पे चाइनीज़ है यानी कि चाइना, एंड सेकंड नंबर पे आपका जापान, थर्ड नंबर पे कोरिया, फोर्थ नंबर पे इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसी देश में एशियन गेम आयोजित हुआ है। एंड उसके बाद से ईरान, ओके। तो ईरान इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने कबड्डी में भारत को हराया है, एंड भारत जो है वो 8वें नंबर पे है। तो चाइना पहले नंबर पे है, इंडोनेशिया 4थे नंबर पे है, एंड उसके बाद से 6ठे नंबर पे ईरान है, एंड 8वें नंबर पे आपका इंडिया है, ओके। एंड कुछ एक्स्ट्रा अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए इंडोनेशिया की जो करेंसी है रुपया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कि उनकी जो करेंसी में यहाँ पे जो है वो देखिए गणेश जी बने होते हैं। तो ये भी आप कुछ एक्स्ट्रा यहाँ से जान के जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हमने बात की एशियन गेम 2018 से जुड़े जितने भी करंट अफेयर है उन सब के बारे में। आई होप ये आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा।
अगर आपको एक बार में सारे नाम नहीं याद हो रहे हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको डेफिनेटली सारे नाम आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर कोई भी कमेंट हो, कोई भी सुझाव हो, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो कि आप मुझे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट तुरंत आप करिए बिना किसी संकोच के, एंड सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपको और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।